शर्म आनी चाहिए जनता के बीच में जाने के लिए। ऐसे लोग हैं, इन्हीं लोगों ने कहा था 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, इन्हीं लोगों ने कहा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्हीं लोगों ने कहा था किसानों का ऋण माफ़ करने का काम करेंगे, इन्हीं लोगों ने कहा था 100 यूनिट बिजली किसानों को देने का काम करेंगे। सारा विकास का कार्य ठप पड़ा हुआ, गुंडागर्दी बढ़ी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, विकास के सारे कार्य बंद पड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने खजाना तिजोरी का ये लोग भरने का काम कर रहे हैं। और विगत 3 वर्षों में एक कांग्रेसी और जेएमएम वाले लोग बताएं कि इस क्षेत्र में यदि 5 भी काम किया हुआ रामगढ़ के चुनाव विधानसभा क्षेत्र में, तो जो कहेंगे सो मान जाएंगे। मुख्यमंत्री अपने गांव नेवरा में जाकर देखे हैं कि 3 वर्षों में उन्होंने क्या किया, दूसरी जगह नहीं जाए। आज मैं गया था उनका गृह क्षेत्र में बरलंगा में, देखा किस प्रकार से सड़कों का उन लोगों ने बांट करके रखा है। जब मुख्यमंत्री अपने गांव में विकास नहीं कर सकते हैं, अपने जन्मस्थली में विकास नहीं कर सकते हैं, तो पूरे राज्य का क्या विकास कर सकते हैं। यह सरकार आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, झारखंड विरोधी, सदान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, विरोधी ही विरोधी है, किसी का भला नहीं चाहती है सरकार। रामगढ़ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने तरफ से राज्यसभा मेंबर आदित्य साहू जी को प्रभारी बनाया है, ये कोऑर्डिनेशन भी देख रहे हैं दोनों दलों के बीच में। कांग्रेस कह रही है कि जो पॉलिटिक्स है ना, वो केमिस्ट्री होता है, बीजेपी इसको मैथ बना दिया है कि 70+30 1 लाख पार जीत गए। बोला ऐसा नहीं होता है, ये केमिस्ट्री है, हर बार रिएक्शन अलग अलग होता है। बोले ये लोग दो मिलके अलग अलग लड़े थे तो 30,000 मार्जिन था, दोनों साथ मिलके लड़े हैं, मार्जिन हम लोग का 40,000 हो जाएगा। तो कांग्रेस तो देश आजाद होने के बाद यही काम किया है, सिर्फ लोगों को ठग करके, बेवकूफ़ बना के, बात बना करके लोगों से वोट लेना। उनको याद होना चाहिए कि 2019 के पहले कितनी बड़ी बड़ी बातों को जनता के बीच में रखने का काम किया था। शर्म आनी चाहिए जनता के बीच में जाने के लिए। ऐसे लोग हैं, इन्हीं लोगों ने कहा था 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, इन्हीं लोगों ने कहा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्हीं लोगों ने कहा था किसानों का ऋण माफ़ करने का काम करेंगे, इन्हीं लोगों ने कहा था 100 यूनिट बिजली किसानों को देने का काम करेंगे। और जो हमारी सरकार, राज्य की सरकार, प्रत्येक एकड़ में जो 5,000 रुपया देने का काम कर रहे थे, 5 एकड़ 25,000 रुपया, सबसे पहले किसानों का पेट में लात मारने का काम किया, पिछड़ों का आरक्षण उसको नगर निकाय के चुनाव में छीनने का काम किया, पंचायत का चुनाव में छीनने का काम किया। कितना अपमानित करेंगे यहाँ की जनता को। सारा विकास का कार्य ठप पड़ा हुआ, गुंडागर्दी बढ़ी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, विकास के सारे कार्य बंद पड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने खजाना तिजोरी का ये लोग भरने का काम कर रहे हैं। झारखंड की पूरी जनता देख रही है, साथ साथ रामगढ़ की जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से NDA की सरकार जब राज्य में चल रही थी तो विकास की गंगोत्री यहाँ पर बढ़ रही थी। और विगत 3 वर्षों में एक कांग्रेसी और जेएमएम वाले लोग बताएं कि इस क्षेत्र में यदि 5 भी काम किया हुआ रामगढ़ के चुनाव विधानसभा क्षेत्र में, तो जो कहेंगे सो मान जाएंगे। पर मुख्यमंत्री 19 से आ रहे हैं, कुछ घबराहट तो हो रही होगी आप लोगों को। वो जाल बिछाने आ रहे हैं, लोगों को फंसाने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने गांव नेवरा में जाकर देखे हैं कि 3 वर्षों में उन्होंने क्या किया, दूसरी जगह नहीं जाए। आज मैं गया था उनका गृह क्षेत्र में बरलंगा में, देखा किस प्रकार से सड़कों का उन लोगों ने बांट करके रखा है, सड़कें बिल्कुल सड़ी गली अवस्था में पड़ी हुई है। किसका दोष है? जब मुख्यमंत्री अपने गांव में विकास नहीं कर सकते हैं, अपने जन्मस्थली में विकास नहीं कर सकते हैं, तो पूरे राज्य का क्या विकास कर सकते हैं? आज देश के सबसे प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो इस देश का क्या होता, इस राज्य का क्या होता? 80 करोड़ लोगों को, एक एक परिवार के एक एक सदस्य को 5-5 किलो राशन देने का काम मोदी जी कर रहे हैं, ताकि मेरा गरीब परिवार कोई भी सदस्य भूखा न सोवे। और उस चावल को भी ये वर्तमान UPA की सरकार उसको भी गरीब का निवाले को छीन करके बेचने का काम करती है। रांची से चावल चलता है और मांडर का गोदाम में नहीं पहुंचता है, बीच से चावल गायब हो जाता है। वो चावल में भी तो चावल घोटाला सामने आया। बिल्कुल, जिस प्रकार इनके राज्य में कौन सा घोटाला नहीं हो रहा है, घोटाला ही घोटाला है। अफसर बिल्कुल कंट्रोल से बाहर, नियंत्रण से बाहर हैं। जनता की गाड़ी कमाई को ब्लॉक में, अंचल में, थाना में, DC कार्यालय में लूटने में लोग व्यस्त हैं, चूंकि जानते हैं कि प्रत्येक महीना टॉकअप के रूप में दिल्ली ये रांची जाके पैसा। हेमंत जी तो ये सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं कि 20 साल में जो नहीं हुआ वो हमने किया, और ये अपनों की सरकार है, पहले बाहरियों की सरकार थी। 20 साल में जो नहीं हुआ कर दिखाए हैं, सचमुच कर दिखाए कि कोई काम नहीं किए हैं। जनता को दिखे छू तो अपने मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन साफ साफ नहीं बोल पा रहे हैं, चूंकि सर मार रही उनको जनता के बीच बोलने के लिए। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं कि 20 साल में जो कोई नहीं किया वो कांग्रेस और RJD और JMM की सरकार ने किया, चूंकि कुछ काम नहीं कर पाए करके दिखाया ही है।
भ्रष्टाचार बढ़ा है, आतंक उग्रवाद बढ़ा है, माँ बहनों को इज्जत से जीना मुश्किल हो गया है, दिन दहाड़े अन्याय अत्याचार माताओं के साथ किया जा रहा है, विकास के सारे काम बंद पड़े हैं। यह सरकार आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, झारखंड विरोधी, सदान विरोधी, महिला विरोधी, जुआ विरोधी, विरोधी ही विरोधी है, किसी का भला नहीं चाहती है सरकार। एक आखिरी सवाल, 24 चुनाव तो अभी समय है, यह मान लिया जाए कि पांचवा आखिरी उपचुनाव है, क्या यहाँ से तय होगा दिशा 24 का? निश्चित रूप से यह सीट एनडीए के झोली में जाएगा। बहुत जगह को ठगने में, बेवकूफ बनाने में, बरगलाने में लोग सफल हुए हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग इन लोगों ने किया है। उनके सचिव आकर के चुनाव क्षेत्र में जा करके लोगों को धमकाने डराने का काम करते हैं, लेकिन रामगढ़ की जनता चौकस है, वैसे पदाधिकारियों को भी औकात बताने का काम करेगी, और जो सरकार राज्य सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी औकात बताने का काम करेगी सरकार, यह रामगढ़ की जनता। शुक्रिया। तो ये उपचुनाव नतीजा तय कर देगा, कह रहे हैं कि बार बार पब्लिक को ठगा नहीं जा सकता, बलगराया नहीं जा सकता, और इसलिए पार्टी को पूरा यकीन है कि ये सीट इस बार एनडीए की झोली में जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री का भी दौरा शुरू होने वाला है, वो कितना लोगों को अपने पाले में कर पाएंगे, 19 से कितना फिजा बदली है, कितना किसके पक्ष में आया है, वो तो 2 तारीख को ही पता चल पाएगा। 4 तारीख का इंतज़ार कीजिए, विधानसभा में कौन नया सदस्य आता है और वो किस पार्टी का होगा। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। द फॉलो अप डॉट इन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।